मुंबईतील अंधेरी पश्चिम विधानसभा निवडणुकीमध्ये नवीन ट्विस्ट आलाय. ऑल इंडिया मिनी उनेमा बोर्ड आणि मौलानांनी अंधेरी पश्चिमेतील अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय. अपक्ष उमेदवार अरिफ शेख यांना मुंबईतील मुस्लिम संघटना उलेमा आणि मौलानांनी पाठिंबा जाहीर केलाय. या मतदारसंघात महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे अशोक जाधव तर भाजपकडून अमित साटम रिंगणामध्ये आहेत. इलेक्शन के पहले जो है मैंने इलाके में बहुत से काम किए, आप लोग ने देखे होंगे. ना कभी अमित साटम ने वहां पर ध्यान दिया और ना कभी जो एक्स एमएलए था अशोक भाव यादव उसने कभी ध्यान दिया. लेकिन मैंने जब जब हमारे इलाके को जरूरत पड़ी है कोविड से लेकर आज तक के, मैं दिन रात अपना टाइम दिया हूँ, अपना खुद का पैसा डाल के वहां पर काम किया हूँ. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इलाके की पूरी जनता जो है अंधेरी वेस्ट असेंबली की, वो मेरा साथ देगी और मैं भारी बहुमत से जो है ये इलेक्शन जीत के आऊंगा. रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने बिल्कुल भी माइनॉरिटी इलाके में अमित साटम ने काम नहीं किया है. अमित साटम ने सिर्फ माइनॉरिटी के साथ धोखा किया है और कुछ भी नहीं किया है. हम किसी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट है या आजाद पार्टी है, आजाद पार्टी को वोट देने से किसी का नुकसान नहीं है और फायदा जो है असल में है आप लोगों का है, आपके तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए. ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड ने इन्हें सपोर्ट दे करके, आरिफ मोइन शेख को सपोर्ट दे करके कामयाब बनाने की अपील की है. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.